हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जस्ट हम लोगों ने कल एटम स्टार्ट किया और एटम के ऊपर दो दिन पहले हमारे दो लेक्चर एटम के ऊपर हो चुके हैं। एक लेक्चर में तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ही बताया था और दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को थॉमसन एटॉमिक मॉडल और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वाटरमेलन, समझ में आ रही बात। और उसके ड्रॉबैक मैंने आपको बताए थे कि भाई थॉमसन इस बात को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाया कि एटम के अंदर जो चार्ज रहता है वो कहाँ रहता है और किस तरीके से रहता है। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ रहता है, इस बात को थॉमसन बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ना ही थॉमसन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर पाया। उसके जस्ट बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया बच्चों अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ध्यान से आप लोग हमारी बात को सुनिएगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने आप लोगों को बताया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने आपको सारे पार्ट्स बताए कि भाई गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट, उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों समझ आ रही है बात आप लोगों को। हमने उसके डायग्राम के सारे पार्ट्स आपको बताए कि भाई कहाँ पर कौन से पॉइंट्स का यूज़ होता है, लेड का यूज़ क्यों करते हैं, लेड की ब्रिक्स का यूज़ क्यों करते हैं, गोल्ड की फॉइल हम लोगों ने कहाँ लगाई है, गोल्ड की फॉइल की थिकनेस कितनी है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन हम लोगों ने कहाँ लगाई है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम लोगों ने गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम तो देख लिया बच्चों। अब डायग्राम देखने के साथ साथ हम लोगों को ये देखना है, स्टूडेंट ध्यान से आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा बच्चों। अब डायग्राम देखने के साथ साथ हम लोगों को ये देखना है कि वो जो एटम वाला पोर्शन है जो मैंने आप लोगों को जस्ट बताया, उसके रिजल्ट्स क्या निकल कर आते हैं। आप थ्योरी की चिंता बिल्कुल मत करिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाइए, थ्योरी प्रॉपरली आप लोगों को मिलती जाएगी, उसकी बिल्कुल ना घबराएं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने आपको बता दिया, गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉइंट्स हमने आपको बता दिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखो गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकलते क्या हैं। भाई रिजल्ट ये निकलते हैं कि गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गई थी। गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गई थी। जब इसके सारे रिजल्ट्स को ध्यान से स्टडी किया गया तो रिजल्ट ये निकले, ध्यान से बिल्कुल बच्चों बिल्कुल ध्यान से बात सुनिएगा, कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल सीधा निकल गए, बिना अपने रास्ते से, बिना अपने पाथ से डेविएट हुए। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए हैं स्टूडेंट, बिना अपने रास्ते से हटे। ठीक है, बिल्कुल सीधे निकल गए कुछ ऐसे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो हल्के से एंगल से मुड़ गए ऐसे। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो हल्के से एंगल के साथ मुड़कर इधर निकल गए। ठीक है, आप चिंता ना करिए, मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले ध्यान से आप लोग देखते रहिए कि कैसे हम लोग कंडीशन बना रहे हैं। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो हल्के से एंगल से मुड़ गए। ठीक है, अब वेरी फ्यू, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो ज़्यादा एंगल से मुड़कर ऐसे निकल गए। बहुत ही माइनर से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा एंगल से मुड़कर ऐसे निकल गए बच्चों। ठीक है, और वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे गए अपने रास्ते से, रुके और रुककर जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस लौट कर आ गए बच्चों। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे गए, रुके और रुककर वापस लौट कर आ गए। अब मेरे पास में तीन ऑब्जर्वेशन है, ये जो पूरा गीगर और मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने सेट किया है ना बच्चों, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से सिर्फ तीन रिजल्ट मेरे सामने निकल कर आते हैं, सिर्फ तीन रिजल्ट। वो तीन रिजल्ट क्या हैं जो मेरे सामने निकल कर आते हैं, वो तीन रिजल्ट ये हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा,
कि 90% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे निकल गए, अपने रास्ते से बिना हटे एटम के अंदर से पास होते हुए बिल्कुल सीधे निकल गए। कोई बॉडी बिल्कुल सीधी कब निकल सकती है भाई? जब उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए तो वो बॉडी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो 90% अल्फा पार्टिकल के सीधे निकलने का मतलब ये है कि द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, एटम के अंदर का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट हम लोगों को ये मिला बच्चों कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल, 90% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका मतलब एटम के अंदर का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। गीगर और मार्सडेन ने गोल्ड की फॉइल के ऊपर, गोल्ड की पन्नी के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की और माइक्रोस्कोप से फिर उन्होंने रिजल्ट्स को देखा, माइक्रोस्कोप से फिर उन्होंने रिजल्ट को देखा और रिजल्ट उन्हें ये पता चला कि 90% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए थे। इसका मतलब एटम के अंदर का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरा रिजल्ट, अप्रोक्सीमेटली 8% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो हल्का सा अपने एंगल से मुड़ गए, एक्यूट एंगल के साथ। ये ग्रीन वाला पोर्शन देखिए, जाना तो उन्हें सीधे था लेकिन हल्के से एंगल से मुड़कर यहाँ से निकल गए बच्चों, समझ में आ रही बात? 8% अल्फा पार्टिकल हल्के से एंगल से मुड़कर निकल गए। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज चलकर आ रहा है तो वो अपने रास्ते से तभी मुड़ सकता है जब उसके ऊपर कोई रिपल्शन काम करे बच्चों। और रिपल्शन कब काम करेगा? जब अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर किसी पॉइंट पर भी पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन काम करेगा, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से थोड़ा हटकर निकल जाएगा। यानी सेकंड पॉइंट से ये बात प्रूफ होती है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर, यानी ये जो पार्टिकल आ रहा है अल्फा पार्टिकल, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज हल्के से एंगल से मुड़कर चला गया, तो डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल ज़रूर एटम के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज के बराबर से निकला होगा, तभी उसके ऊपर रिपल्शन काम किया होगा। भाई हमें अभी नहीं पता है कि एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी हमें नहीं पता है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम के अंदर ज़रूर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव के ऊपर रिपल्शन लगाया होगा जिस वजह से ये हल्का सा अपने रास्ते से मुड़ गया है, समझ में आ रही बात? इसके बाद 1.99% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल के साथ, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है ये वाला एंगल, थीटा इज ग्रेटर देन ऑफ 90 से बड़े एंगल के साथ मुड़कर ऐसे निकल गए बच्चों। इसका मतलब ये है, ध्यान से बात सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल अब तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया, अब तो पक्का कन्फर्म हो गया कि एटम के अंदर ज़रूर कोई ऐसा पॉइंट मौजूद है जिस पर पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर ज़रूर कोई ऐसा पॉइंट मौजूद है जिस पर पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चों, समझ में आ रही बात? अब ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि एटम के अंदर ज़रूर कोई पॉइंट ऐसा मौजूद है जिस पर पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। उसके बाद 8000 में से 1 in 8000, 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा बच्चों जो बिल्कुल सीधा आएगा, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो बिल्कुल सीधा आएगा, आएगा रुकेगा और बिल्कुल उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। अब तो बिल्कुल पक्का ही कन्फर्म हो गया कि एटम के बिल्कुल सेंटर में, एटम के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा पॉइंट मौजूद होता है जिस पर एटम का होल पॉजिटिव चार्ज और होल मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उस पॉइंट को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। यानी आप ये समझिए स्टूडेंट कि गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट हम लोगों को ये मिले कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए ऐसे। गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट हम लोगों को ये मिले
कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, 90% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका मतलब यह है द मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, एटम के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली है। समझ आ रही है बच्चों बात? अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो हल्के से मुड़कर चले गए, तो इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर जरूर ऐसा कोई पॉइंट मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों इसके बाद में ध्यान से बात सुनिएगा, कुछ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत ज्यादा एंगल से मुड़ गए, तो इससे भी यही प्रूफ होता है कि एटम के अंदर जरूर कोई ऐसा पॉइंट मौजूद है जिस पर एटम का पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। 1 in 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल सीधा आया, एक पॉइंट पर आकर रुका और रुकने के बाद यहीं से वापस लौट गया, तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि एटम के सेंटर में ही उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज, एटम के सेंटर में ही उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है, और उस सेंटर को हम लोग नाम देते हैं बच्चों न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस कहलाता है। तो गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट मिले? एटम के अंदर का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल एटम को भेद कर, एटम को पेनिट्रेट करते हुए सीधे निकल गए। दूसरा रिजल्ट ये मिला, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो हल्के से एंगल से मुड़ गए, यानी एटम के अंदर ज़रूर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एंगल से मुड़ गए, इसका मतलब है कि एटम के अंदर ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज से डरकर ही अपना रास्ता बदलता है, किसी और से नहीं बदलता है। समझ में आ रही बात? 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल सीधा आया, आकर रुका और रुकने के बाद बिल्कुल उसी रास्ते से वापस लौट गया, तो इससे ये बात प्रूफ हो गई बच्चों। बिल्कुल एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा एग्जांपल दिया है कि ये जो 8000 में एक अल्फा पार्टिकल है ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में बिल्कुल बीचों बीच एक फुटबॉल आकर टकराए। ये कहानी बिल्कुल ऐसी है जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में बिल्कुल बीचों बीच एक फुटबॉल आकर टकराए। तो 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल सीधा आया और वापस उसी रास्ते से लौट गया, तो कन्फर्म हो गया कि एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में है। तो गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट से दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को मिले। पहला रिजल्ट, एटम के अंदर का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, और दूसरा रिजल्ट, एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में रहता है, और उस सेंटर को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं बच्चों। अब ये बात तो मैंने आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में करके समझा दी है बच्चों, समझ आ रही बात? अब हम लोगों को ये बात लिखनी है, कॉपी के अंदर लिखनी है। कैसे लिखेंगे ये आप लोगों को देखना है। सबसे पहले वो जो डायग्राम आप लोगों ने बनाया था ना, उस डायग्राम के नीचे ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए बच्चों। उस डायग्राम के नीचे 8% अल्फा पार्टिकल इधर से मुड़कर चले गए ऐसे, 1.99% ऐसे हैं, और 0.01% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं हमारे, ठीक है। वो जो कल की क्लास में आप लोगों ने डायग्राम बनाया था, जस्ट उसके नीचे ये डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको थ्योरी लिखवाना स्टार्ट करता हूँ बच्चों। जल्दी से करिएगा। चलिए बच्चों, अब हम थ्योरी लिखते हैं। डायग्राम तो हम लोगों ने बना लिया है, ये जो ये लिखा हुआ है ना, इनमें से आप कुछ भी नहीं लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वो आपको लोगों को लिखना है। हेडिंग थी आप लोगों की गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, समझ में आ रही बात? ठीक है, आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। देखिए, आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और गीगर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रदरफोर्ड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, समझ आ रही बात? एक छोटी सी लाइन आप लोग लिखेंगे कि रदरफोर्ड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस क्या मिलते हैं? पहला ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिलता है ये, ठीक है। ये लिखने के बाद में सीधा आप लोग ये लिखेंगे, क्योंकि ये डायग्राम ये कुछ नहीं बनाना, ये मैं खुद
समय आने पर मैं खुद आप लोगों को लिखवाऊंगा। वैसे तो सही बताऊं, नोट्स आप लोगों को अपने आप खुद अपने लिखने चाहिए। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, वो वही नोट्स हैं काम के बच्चों, जो आप लोग लिखें वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर वन हमारे पास में ये है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड। वही पॉइंट मैंने आपको बताया भाई, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे निकल गए बिना अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड। ओके, सेकंड पॉइंट है, सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। ये दोनों पॉइंट फटाफट अपनी कॉपी के अंदर आप लोग लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो पास हो गए फॉइल के अंदर से बिना अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुए। समझ में आ रही बात? सेकंड है, सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। ठीक है, कुछ हल्के फुल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। इसके बाद पॉइंट नंबर तीन है आपके पास में स्टूडेंट, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल वन इन थाउजेंड आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल मोर देन 90 डिग्री। मैंने कहा ना भाई, बहुत ही कम माने 1.99% बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री से बड़े एंगल से, यानी ऑब्ट्यूज एंगल से मुड़ गए। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू, बहुत कम। इसमें हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट, इसमें हम लोग कह सकते हैं 1 in 8000, इसमें हम लोग कह सकते हैं 1 in 8000 रिटर्न बैक डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अ फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 8000 रिटर्न बैक डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। वो मैंने आप लोगों ने कहा ना भाई, मैंने आप लोगों से क्या कहा, 90% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, 8% अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल से मुड़ गए, 1.99 अल्फा पार्टिकल ऑब्ट्यूज एंगल से मुड़ गए, और 8000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के एंगल से मुड़ा। समझ आ रही बात आप लोगों को? ओके, अभी इनमें से कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को, ये इनमें से कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है, अभी इसमें से कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोगों को पॉइंट नंबर फोर तक लिखना है बच्चों, पॉइंट नंबर फोर तक ही आप लोगों को लिखना है, इसके आगे आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ पॉइंट नंबर फोर तक। अब हमने एक बड़ा डायग्राम आपको बनवा दिया है, एक छोटा डायग्राम बनवाया, ऑब्जर्वेशंस हमने आपको बताए भाई, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, मेन ऑब्जर्वेशन मैंने आपको ये बताया कि भाई ऑब्जर्वेशन ये था कि इसका मतलब एटम के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट मौजूद है जिस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है, जिसे हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। अब पहले मुझे ये बताएं कि गीगर और मार्स डेन के एक्सपेरिमेंट का बड़ा डायग्राम क्लियर है, कहाँ हम लोगों ने रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाया है, कहाँ हमने लेड का चैम्बर लगाया है, कहाँ हमने लेड की ब्रिक्स लगाई है, कहाँ हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई है, कहाँ हमने गोल्ड की फॉइल लगाई है, और कहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाया है। समझ में आ रही बात? अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही बात? गोल्ड की फॉइल की थिकनेस, वो भी हमने आप लोगों को बताई। लेड का चैम्बर हम लोगों ने क्यों लगाया, वो भी हमने आपको बताया। लेड की ब्रिक्स हम लोगों ने क्यों लगाई, वो भी हमने आपको बताया। और ऑब्जर्वेशन भी हम लोगों ने यहाँ स्टूडेंट आप लोगों को बताए हैं, ऑब्जर्वेशन आपके सामने हैं। अभी सिर्फ चार ऑब्जर्वेशन आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर वन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ऑब्जर्वेशन नंबर वन हमारे पास में ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, 90% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं। थीटा लेस देन ऑफ 90, ऐसे अल्फा पार्टिकल 8% है। 90 डिग्री से बड़ा, ऐसे अल्फा पार्टिकल 1.99% है। और 180 से बड़ा, ऐसे अल्फा पार्टिकल है 0.001%। समझ आ गई बच्चों बात? ओके, अब हम लोग बात करेंगे आगे के कुछ रिजल्ट्स की। देखो, ये पॉइंट हम लोगों ने निकाल तो दिए, लेकिन इन पॉइंट से ऑब्जर्वेशन क्या मिला भाई? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो गीगर और मार्स डेन थे वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से जो जो ऑब्जर्वेशन निकले वो उठाकर रदरफोर्ड को दे दिए कि लीजिए साहब, हमने ये चार ऑब्जर्वेशन निकाल दिए।
अब रदरफोर्ड ने चारों ऑब्जर्वेशन को बहुत ध्यान से डीपली स्टडी की और स्टडी करने के बाद में अपना पूरा एक लॉ बना दिया, अपना पूरा एक एटॉमिक मॉडल बना दिया, जिसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। यानी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इन चार पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। बच्चों ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इन चार पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, और देखिए आगे हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो ये है। न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लिखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। हमें इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करनी है बच्चों, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। अभी एक दो दिन में मामला सही तरीके से सेट हो जाएगा, फिर थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स आपके सामने यहीं आते रहेंगे। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को बढ़िया करके टॉपिक को एक्सप्लेन करने के ऊपर रहेगा बच्चों। चलिए अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।